सॉलिड स्टेट कंटिन्यू कर रहे थे, उस दिन हमने देखा कि व्हाट इज़ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स, तो उन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्यों? क्योंकि उनके बारे में ही हमको आगे डिटेल स्टडी चाहिए। तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होती है? जो कंडक्टर्स, ऐसे कंडक्टर जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें हम सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम देखते हैं तो वो आपको सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में मिलते हैं। और ये किस ग्रुप के हैं? पी ब्लॉक, आप सबको पता है, 14th ग्रुप जो आपका है उसमें सिलिकॉन आता है। अच्छा, अब ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये उस दिन हम पढ़ने वाले थे, तो वो आज कंटिन्यू करते हैं। तो आप जब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, एक सब्सटेंस जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके हैं उनके बीच में एनर्जी इंक्रीज होती है, और जिसके कारण से वो एक कंडक्टिविटी जनरेट करते हैं या हाई कंडक्टिविटी फ्लो करते हैं। ठीक है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ कंडक्टिविटी, यानी कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, और आपका अगर टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो कंडक्टिविटी भी आपकी बढ़ जाएगी। या फिर आप फॉर्मूला इसको लिख सकते हो कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज ऑल्सो जीरो। ठीक, अब ये जो सेमी कंडक्टर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। आपके सिलेबस में एक्सट्रेंसिक टाइप के ऑफ सेमी कंडक्टर्स जो आपके हैं वो डिटेल थोरो स्टडी के लिए कहा गया है, बट आप उससे पहले जान लीजिए कि इंट्रेंसिक क्या होते हैं। अब इंट्रेंसिक जो होते हैं वो प्योर टाइप सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। प्योर टाइप सेमी कंडक्टर्स का मतलब इनमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, किसी और ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इनको कहा कि ये प्योर सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक, अगर इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं हम सिलिकॉन, 14th ग्रुप में आपको पता है कि सिलिकॉन ग्रुप होता है। अब इसकी वैलेंसी 4 होती है 14th ग्रुप में, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा, और लास्ट ऑर्बिट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिसके बेस पे हमने इसको 14th ग्रुप में रखा था। ठीक, सिलिकॉन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और जो उनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एकल बंध यानी जो आपका होता है उसके द्वारा हर एक सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन से मिल करके एक प्योर सिलिकॉन ग्रुप बनाता है। ठीक है, और ये कैसा टाइप का आपका ग्रुप हो गया? ये प्योर सेमीकंडक्टर ग्रुप हो गया आपका। ठीक, अब अगर इसके ऑपोजिट आप एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो उसमें आप कहते हो कि एडेड इम्प्योरिटीज बाय डोपिंग प्रोसेस इज नोन एज द इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, इसमें आपने एडेड इम्प्योरिटीज क्यों कहा? क्योंकि आप जब इस तरह के एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी वाले सेमीकंडक्टर्स को आप जब पढ़ते हो देखते हो तो उनमें जनरली 14 ग्रुप के जो होते हैं वो 13 ग्रुप या 13 ग्रुप के 12 वाले ग्रुप्स के साथ मिल करके एक मिक्स इम्प्योर, यानी इम्प्योर का मतलब हो गया जिसमें दो तरीके के आपको कंडक्टर्स मिलते हो। ठीक है, और आप जब इनके ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि डोपिंग प्रोसेस क्या होता है। अब डोपिंग प्रोसेस के थ्रू ही हम इन्हें पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में डिफाइन कर पाएंगे। ठीक, फिलहाल अभी हम आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक बार डिटेल देख लेते हैं कि जब आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो फ्लो करता है लो एनर्जी से हाई एनर्जी। ठीक है, कल हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपको एन टाइप और पी टाइप, एन टाइप मीन्स नेगेटिवली चार्ज और पी टाइप का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, यानी कि एक्सट्रिंसिक जो कंडक्टिविटी पावर बनाते हैं उनके बारे में कल डिटेल पढ़ेंगे।